अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस, अपना प्यार गुरुजी के साथ, गुरुजी की संगत के साथ शेयर करने का एक मौका दिया। गुरुजी, आप हमारे लिए सब कुछ हो। सबसे पहले अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुजी, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी, हमारी हर सांस का शुक्राना गुरुजी, अपने रहमो करम बरसाने का शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना हम गुरुजी का करें उतना हमारे लिए कम है। आज मैं मोनिका थापर अम्बाला से अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शेयर करने के लिए यहाँ आई। गुरुजी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस, अपना प्यार गुरुजी के साथ, आपके साथ, संगत जी के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। मैं आज अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का अर्थ है गुरु, अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाने वाले। गुरुजी ऐसे ही हैं कि वो हमें किसी भी बुरी कंडीशन में जब हम होते हैं, किसी हालातों से घबराते हैं, तो एक आवाज आती है अंदर से। आप गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े हुई है, आप कभी परेशान है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल, कोई प्रोफेशनल। प्रोफेशनली आई एम अ टीचर, पिछले 10 सालों से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं। समटाइम्स कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है, कुछ प्रोफेशनल होती है कि आप परेशान होते हो तो कुछ समझ नहीं आता। आप गुरुजी के सामने 10 मिनट बैठिए, अपना आंखें बंद करिए, उनके बारे में उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं। तो एक आवाज आती है अंदर से कि घबरा मत, मैं हूं तेरे हालातों से सामना करवाने के लिए। एक आवाज अंदर से अपने आप आपको फील होगी जब आप अपनी बातें गुरुजी के साथ शेयर करोगे, अपनी प्रॉब्लम उनको बताओगे। ये फैक्ट है, वो आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं। इसको मैंने खुद अपनी रियल लाइफ में किया, ऑब्जर्व किया इसको। मैं गुरुजी के साथ 2018 से जुड़ी, मैं दिल्ली से हूं, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली से है, मेरे मम्मी पापा सिस्टर मेरे पेरेंट्स मेरे सारे रिलेटिव्स दिल्ली में हैं। मम्मी के पास मैं जाती हूँ, छुट्टी होती है, स्कूल का ऑफ होता है तो एक दो दिन के लिए जाती हूँ। मम्मी के पास जाती थी, मम्मी सिस्टर बहुत सालों से जुड़े हैं गुरुजी के साथ, तो गुरुजी का स्वरूप मम्मी के घर में लगा हुआ है। तो मैं जाती थी, मैंने पूछा मम्मी से, तो मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ कि मैं गुरुजी के साथ कैसे कनेक्ट हुई। मम्मी मेरे को कहते हैं ये गुरुजी हैं, बड़े मंदिर वाले डुगरी वाले गुरुजी हैं, तो चल इनके दर्शन करके आते हैं सोमवार। मैं आपको झूठ नहीं बोलती, तब मैं कोई विश्वास नहीं करती थी, मतलब मैं नास्तिक नहीं हूँ, बट मेरा मतलब ये गुरुजी, ये गुरु है, मैं उनको बोलती ये कौन से गुरुजी हैं, आपने ऐसे गुरुजी के आप चक्कर में, गुरुओं के चक्कर में पड़ गए। तो मम्मी कहते हैं तू एक बारी चल मत्था टेक के आ, मेरा ब्रदर मेरे इतने पीछे पड़ा रहा कि चल एक बारी दीदी आप मत्था टेक के आ वहां पर। मैं नहीं जाती थी, मम्मी मेरे को डांटते थे, बाजारा से चली जाती है, शॉपिंग करने चली जाती है, असि कहने बड़े मंदिर चल, नहीं जाती। और मैं सच में नहीं जाती थी क्योंकि मैं एक दिल से, मेरे को शायद आवाज उनका हुक्म नहीं हुआ था कि मैं उनके साथ जुड़ू। वो मेरे से नाराज होते थे कि मेरे बोलने पर भी ये नहीं जाती है, अपना बाजारों में जाती है, रिश्तेदारों के घर चली जाती है, वहां नहीं जाती। पता नहीं ये भी मेरे शायद बुरे कर्म थे, तब हम उनसे नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे, या उनका हुक्म नहीं था गुरुजी का कि वो हमें अपने दरबार पे बुलाते। एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मम्मी के पास हम सैटरडे निकलते हैं, मंडे ट्यूजडे तक वापिस आ जाते हैं, मैं एक दो दिन का ऑफ लेती हूँ। तो मैं हस्बैंड को बोला, मैं क्या मम्मी बहुत जिद करते हैं, ब्रदर बोलता है, सिस्टर बोलती है कि बड़े मंदिर मत्था देखने चल। तो मैंने बोला, मैं क्या आज हम बड़े मंदिर दिल्ली जाएंगे तो सोच कर जाएंगे कि बिना बड़े मंदिर दर्शन किए मैं नहीं आऊंगी, मैंने दर्शन करने हैं। तो मैं दिल्ली गई, यहां से हम सोच कर गए बड़े मंदिर। मैंने जैसे ही पैर रखा, संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब इतने आंसू, इतना रोई, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि वहां मेरा पैर रखते ही क्या ऐसी पॉजिटिव वाइब्स मैंने मतलब अपने आप में फील की, क्या एक मैग्नेटिक पार थी कि आप उसमें बड़े मंदिर में आप पैर रख रहे हो और ऐसे लग रहा है कि कोई चीज आपको बुला रही है। और मैं अपने आप को, मैंने इतना गिल्ट फील किया कि जितना शायद मैंने जिंदगी में भी गिल्ट फील नहीं किया कि इतना बुलाने पर मैं उनके दरबार में नहीं आई। बट वही कहते हैं कि जब तक उनका हुक्म नहीं होता, वो हमें शायद उसका सही टाइम आने पर ही वो हमें चीज देते हैं। कहते हैं ना, बच्चे जिद करते हैं पेरेंट्स से कि हमें ये चीज लेनी है,
पेरेंट्स कई बार इग्नोर कर देते हैं, नहीं अभी नहीं दो चार दिन बाद, वही शायद हमारे साथ भी है। हम भी गुरुजी के सामने बहुत अपनी बातें रखते हैं, पर वो वही देंगे जब आपका सही टाइम आएगा। हम कई बार कहते हैं कि नहीं हमें ये चीज नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली, शायद वाई मी प्रॉब्लम्स के लिए हम ये कई बार क्वेश्चन उठाते हैं, वाई मी, कि मैं ही क्यों इस प्रॉब्लम के लिए। बट नहीं, वो सब सुनते हैं। अगर आप मन में सोचते हो तो वो आपकी बातें सब सुनते हैं। एक है चारों कोने कीचड़ भरे, चारों कोने क्या, हम तो पूरे ही संगत जी कीचड़ से भरे हुए हैं। शायद इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम अपने डेली रूटीन में कई बार किसी को हर्ट कर देते हैं और हर्ट होते भी हैं किसी से। तो ये गुरुजी की मतलब एक पार आप कह लो कि जो हमें प्रॉब्लम से, और हम उनसे माफी मांगते हैं इस चीज के लिए कि गुरुजी हमें माफ करना, इंटेंशनली अनइंटेंशनली अगर हमने किसी को हर्ट किया है तो गुरुजी ने हमें अपने दरबार से इस तरीके जोड़ा। तब से लेकर आज तक संगत जी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं 2018 से कनेक्ट हूं, मेरी एक बेटी है, हस्बैंड है, उन सबका फेथ ऑटोमेटिकली गुरुजी पे है। जो है हमारे कर्ता धर्ता सारे गुरुजी हैं, जो हमने मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया इस चीज को, जो मैं उनकी पार को फील कर रही हूँ। कुछ सत्संग ऐसे हैं कि मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, अपनी एक पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को संगत जी के, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी के साथ शेयर करने के लिए। कहते हैं गुरुजी को संगत बहुत प्यारी है, तो एक मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गुरुजी नाल मौजा ग्रुप का, जिन्होंने इस मौका दिया मुझे यहाँ पर खड़े होकर गुरुजी के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। कहते हैं ना गुरुजी नाल मौजा, बिल्कुल सही है। जब तक हम गुरुजी के राज में हैं, कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो हमारे हमें किसी काम को करने से रोक सके, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी कहते हैं ना, घबरा मत, मैं हूं, चिंता ना कर चिंतन कर। वो यही बोलते हैं कि तू चिंता ना कर चिंतन कर, सिमरन कर, शुक्राना कर। शुक्राना मीन्स वी हैव टू थैंकफुल टू गॉड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। भगवान हमें सब दे रहे हैं, बट हम कहते हैं ना पापी हैं, हम इस चीज को नहीं मानते, हम शुक्राना नहीं करते। शुक्राना का बहुत इंपॉर्टेंस है संगत जी, एवरी टाइम हमें शुक्राना, हर पल, एक हर सांस में शुक्राना करना चाहिए। नया दिन देने का, ब्यूटीफुल दुनिया दिखाने का, गुरुजी अगला दिन गुरुजी की सेवा करने का, उनके साथ जुड़ने का, गुरुजी के संगत देखने का। संगत जी मैं मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने 2018 के बाद क्या मतलब क्या क्या चीज फील करी है इनके आने के बाद। मैं अगर मन में सोच लेती हूँ, स्कूल से मैं 3 बजे संगत जी आती हूँ, अगर मुझे लगता है कि 4 बजे संगत है या 3 बजे संगत है गुरुजी, तो मैं मुझे संगत में जाना है, मुझे संगत में जाना है। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ ममता भूरा आंटी का अंबाला से, जिन्होंने मुझे गुरुजी के दरबार के साथ जोड़ा। वो मेरे किटी मेंबर है, ममता भूरा आंटी अंबाला कैंट से, तो वो किटी में गुरुजी की बातें करते थे। तो मम्मी मेरे को बोलते हैं थोड़े अंबाला से सत्संग नहीं होंगे, मैंने कहा मम्मी होते हैं बट मैं कभी जाती नहीं सत्संग में। तो ममता भाभी ने मुझे गुरुजी के सत्संग का पहला इन्विटेशन भेजा कि यहाँ गुरुजी की संगत है, मोनिका तू आई हो, तेरे को अच्छा लगेगा। मैंने गुरुजी की पहली संगत अटेंड की और मुझे बहुत रेयर चांस है संगत जी कि शायद मैं गुरुजी का कोई सत्संग मिस करती हूँ, चाहे मुझे स्कूल से किसी हालत में भी भागना पड़े, मैं संगत जरूर अटेंड करती हूँ। और मैं ये फैक्ट बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जाते टाइम भी हमारी मीटिंग्स हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, बट जिस दिन संगत होती है गुरुजी, मैं गुरुजी वो रास्ता अपने आप बनाते हैं मेरे लिए। अगर आप मन में धार कर लेते हो कि मुझे ये चीज करनी है, तो वो उस चीज को कंप्लीट करते हैं। ये मेरी लाइफ के फैक्ट्स है संगत जी। मैं एक ब्यूटीफुल एक सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को, मेरी बेटी 10th में थी, उसका US में वीजा नहीं लग रहा था स्कूल की तरफ से, तो मेरी मम्मा ने, मेरा ब्रदर ने दिल्ली से आना था। मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं था, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया उस टाइम मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी। तो मम्मा ने ब्रदर के हाथ गुरुजी का स्वरूप भेजा, शाम को 8 बजे की बात है। मेरी बेटी दिल्ली एम्बेसी में थी, US एम्बेसी में, उसका भी वीजा नहीं, बच्चों का कैंसिलेशन आ रहा था। तो मम्मी मेरे को एक बात बोले, गुरुजी तेरे कार आ रहे ना, सब कुछ अच्छा होएगा। और बिल्कुल संगत जी वैसा ही हुआ, बहुत बच्चों के कैंसिलेशन हुए, मेरी बेटी का US का वीजा लगा, जो पेरेंट्स की ड्रीम होती है। गुरुजी आए घर में अपने साथ पॉजिटिविटी लेकर आए। बहुत ऐसी बातें हैं जो आप सोचते हो तो वो आपके साथ होती हैं,
है ना, वही कहते हैं बच्चों की बात माँ बाप तक पहुंचती है। अगर बच्चे मन में सोचते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये चीज करनी है, माँ बाप उनकी, आप उनकी फेस रीडिंग कर लेते हैं। ऐसे हमारे गुरुजी हैं, जो गुरुजी के बारे में मैंने सुना है, जो उनकी पॉजिटिव वाइब्स हम अपने घर में ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी फ्रेग्रेंस, उनका उनकी प्रेजेंस। संगत जी, होली का दिन था, हमने गुरुजी को यहाँ, मेरे गुरुजी का, मेरा घर छोटा है, एक और बात बताती हूँ, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अंजलि आंटी का मुझे संडे को कॉल आया, मैं डुगरी से वापस आ रही थी, कि मोनिका आंटी आपका सत्संग, आपने सत्संग, आपका सत्संग शेयर करना है आपने वीरवार को, थर्सडे को। तो मैंने कहा अच्छा आंटी जी, अगर गुरुजी का हुक्म है तो मैं जरूर अपना, अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार गुरुजी की संगत के साथ शेयर करूंगी। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं तूने आंटी को हाँ बोल दिया, बट हमारे घर कंस्ट्रक्शन चल रही है, हमारे घर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो तू कैसे करेगी इसको मैनेज, लेबर मेरे ड्राइंग रूम में लगी हुई है, गुरुजी का दरबार मैंने यहाँ लगाया क्योंकि नीचे दरबार लगाने का भी मेरे पास स्पेस नहीं है, घर थोड़ा सा छोटा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर गुरुजी का हुक्म होगा तो सत्संग भी शेयर हो जाएगा। मैं आज स्कूल से आई, 3:45 बजे मैं स्कूल से पहुंची, तो देखा मेरा ड्राइंग रूम में कोई लेबर काम नहीं कर रही थी, कोई 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 मेंबर नहीं था यहाँ पर, ड्राइंग रूम खाली था। मैंने हस्बैंड को पूछा, मैंने कहा मुझे गुरुजी की संगत के साथ जुड़ना है, गुरुजी के साथ लाइव होना है, तो कैसे यहाँ पर लेबर लगी है? कह रहे आज लेबर कोई भी नहीं आई, वो अपना सारा काम बाहर अपनी वर्कशॉप में कर रहे हैं। तो संगत जी मैं यहाँ खड़ी हूँ गुरुजी के साथ, अपना अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। मैं और क्या क्या आपको उनके बारे में बताऊं संगत जी, ऐसी ऐसी बातें मतलब जो है, जो मैं सोचती हूँ कि ये चीज, मतलब मैं अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मैं उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। गुरुजी, ये गुरुजी का मेरा फ्रेम है, ये देखिए संगत जी, मैंने गुरुजी का दरबार ऊपर लगाया हुआ है क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा नीचे स्पेस नहीं है गुरुजी की गद्दी रखने के लिए। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी तो गुरुजी ने अपना स्पेस अपने लिए खुद बनाया, उन्होंने मुझे, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं गुरुजी की गद्दी कहाँ लगाऊं। मुझे अब मेरे घर छोटे होने की वजह से मैं सत्संग नहीं करा पा रही थी कि मेरे को डर लगता था। मैं अपनी हस्बैंड को बोलती थी, मैं कह मुझे गुरुजी को घर बुलाना है, बट मेरा घर छोटा है, मुझे डर लगता है कि संगत पूरी नहीं आएगी, सर्कल बहुत मेरा ज्यादा है। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपने मन में उनको बुलाने की ठानी है ना, अगर आपने मन में उनको बुलाने का ठाना है तो वो जरूर आएंगे आपके घर में। मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड से, अपनी बेटी से शेयर करती थी कि गुरुजी मिराकल्स दिखाते हैं, अपनी प्रेजेंस बताते हैं, तो मतलब हमारे से शायद कोई कमी होगी, शायद हमारे सपने में नहीं आते या हमें अपनी याद में नहीं रखते संगत जी। मतलब ऐसी फीलिंग मेरे मन में आई कि शायद मेरी कोई गलती रह जाती होगी, सेवा में कोई गलती है, गुरुजी के से कनेक्शन बनाने में कोई गलती है, कि मैं शायद उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रही। गुरुजी, एक महीना पहले मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ। मैं एक महीना पहले कसौली जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, वीकेंड था तो संडे का टाइम था, 8:30 बजे निकले यहाँ से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम अ टीचर, तो पेरेंट्स कभी ना कभी, मतलब अन टाइम भी कॉल कर देते हैं वो, तो हमें कॉल पिक करना पड़ता है, कि जैसे ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ तो हमें उनको एंटरटेन करना पड़ता है। संगत जी, मैंने कसौली में जब हम ऑन द वे थे तो टोल टैक्स के पास पहुंचे तो मुझे अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, अननोन नंबर से कॉल आया। मेरे हस्बैंड कहते हैं आज भी पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, तो तुमने कॉल नहीं उठाना, आज हमने फैमिली डे रखा है, बच्चों के साथ दिन रखा है, तो आज कॉल नहीं उठाना। तो मैंने उनका कॉल नहीं उठाया संगत जी। तो थोड़ी देर के बाद मुझे मैसेंजर पे मैसेज आता है कि हेलो मैम, हाउ आर यू, मैं पूजा। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया कौन सी पूजा है, तो मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया। मैं क्या होंगे, कई बार मैसेंजर पे अननोन से मैसेज भी आ जाते हैं हमारे पास थोड़े से, तो मैंने उनको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया इस चीज के लिए। तो संगत जी कहते हैं कि जब आपने सोचा है, और 15 मिनट पहले मेरी बेटी का फरवरी में, ये कमिंग 18 फरवरी को उसका बर्थडे है, तो मैं नॉर्मल डिस्कशन करती जा रही थी, गाड़ी में बैठी थी, कि उसका पिछली बार भी बर्थडे था, तो मैंने 18th बर्थडे था, तो मैंने संगत के लिए माना था कि मैं गुरुजी का सत्संग कराऊंगी, बट अगले दिन उसका मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम था, तो मैं उस वजह से सत्संग नहीं करा पाई।
दो तीन साल पहले गुरुजी मेरे घर आए, मैंने दिवाली पे उनका ग्रैंड सत्संग कराया, वो अपने घर पर मेरे घर पधारे, तो मैं उनसे जस्ट डिस्कशन कर रही थी कि राधिका का बर्थडे आ रहा है 18 फरवरी को, तो मुझे सत्संग कराना है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सत्संग कैसे कराऊं, क्योंकि कोविड पोजीशन चल रही है, पैनेडेमिक चल रहा है, तो हम ग्रैंड सत्संग अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स बैठ के छोटे छोटे सत्संग कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तूने पिछली बार भी बोला था, बट वो गुरुजी का शायद हुक्म नहीं था, तो हमारे घर सत्संग नहीं हुआ। तो मैंने वैसे ही जनरल नॉर्मल बात चल रही थी, मैंने कहा अगर मेरे घर में स्पेस होता है तो मैं ना गुरुजी को हर महीने अपने घर बुलाऊं। मैं मतलब उनसे जस्ट डिस्कशन कर रही थी कि मैं गुरुजी को अपने घर बुलाना चाहती हूँ, मेरे घर थोड़ा सा स्पेस भी हो जाता है तो मैं हर महीने संगत कराऊंगी। तो मैं एक नॉर्मल बात कर रही थी, तो 15 मिनट के बाद ही मैंने आपको अभी बताया कि अननोन मैसेज आया, मैसेंजर पर मैसेज आया कि आप कैसे हो मैम। मैंने कहा, मैंने हस्बैंड को बोला, मैं क्या कोई कॉल आ रही है, कॉन्टिन्यूसली कॉल आ रही है, तो मुझे कैसे करना है, मतलब उठा लूं? कह रहे नहीं रहने दो, आज फैमिली डे है, पेरेंट्स डिस्टर्ब करते हैं। मैंने संगत जी वो कॉल नहीं उठाया, वो कॉल मैंने इग्नोर कर दिया। तो समटाइम्स फिर मुझे उनका मैसेज आया कि मोनिका मैम, मैं पूजा बोल रही हूँ, आरती मैम की डॉटर। तो मेरे को थोड़ा सा ये था कि पूजा को तो मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है, आरती मैम आज से 8-10 साल पहले हमारे स्कूल में कोऑर्डिनेटर मैम थे, तो अभी वो रिटायर हो चुके हैं 4-5 साल से, तो मेरा उनके साथ कोई कनेक्शन एज सच नहीं है। कभी रेयरली उनको फेसबुक पे देख ले तो देख ले, क्योंकि टीचिंग लाइन में इतना टाइम नहीं हो पाता मेरे लिए भी कि मैं बहुत ज्यादा कनेक्शन रख सकूं, बट मैं सत्संग जरूर मिस करती हूं, अगर मैं ना जा पाऊं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सत्संग अटेंड करूं। तो पूजा का संगत जी मैंने मैसेज देखा, तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैं कही आरती मैम की बेटी का मैसेज आ रहा है, शायद उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मे बी वो मुझे बोल रहे हो कि आप इसको थोड़ा सा प्रमोट करो। मैं अपने मन का एक गिल्ट बता रही हूँ जो मैंने उस टाइम फील किया, तो मुझे लगा शायद वो मुझे इसीलिए कॉल कर रहे हैं बार बार कि उन्होंने काम स्टार्ट किया है। मोनिका मैम आपका सर्कल है तो आप अपने ग्रुप्स में डालना, उन्होंने बेकिंग का काम स्टार्ट किया, शायद पूजा आंटी सुन भी रहे होंगे सत्संग को। तो मैंने इग्नोर कर दिया उस कॉल को। हम जैसे ही कसौली पहुंचे संगत जी, तो मुझे एक और कॉल आता है किसी और नंबर से, तो मैंने पता नहीं, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा आगे थे, बेटी भी मेरे साथ चल रही थी, तो मैंने वो कॉल उठा लिया उनका। तो मैंने उठाया, मैंने कहा, बोले हेलो मैम, मोनिका मैम बोल रही हूँ। मैं कहा हाँ जी मैं मोनिका मैम बोल रही हूँ। तो वो मुझे बोले कि मैम मुझे ना आपसे बहुत जरूरी एक बात आपसे शेयर करनी है। तो मैंने कहा हाँ जी बोलिए मैम। कह रहे मैं आरती मैम की डॉटर बोल रही हूँ, तो मैंने मम्मा से आपको फेसबुक पे सर्च किया है, फिर आपकी फोटो दिखाकर मैंने मम्मा से आपका नंबर लिया है। तो मैंने कहा हाँ जी, पूजा मैम दिल्ली में जॉब करते हैं, उनकी अभी दो साल पहले आई थिंक सो मैरिज हुई है, तो उनका बेबी नहीं हो रहा था, वो दिल्ली MNC कंपनी में जॉब करते थे, तो वो किसी फ्रेंड सर्कल में उनको किसी ने बड़े मंदिर का बताया, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बड़े मंदिर गई, पर रश होने की वजह से या गुरुजी का कहते हैं हुक्म नहीं होगा शायद उनको, तो वो दर्शन नहीं कर पाए संगत जी, वो बाहर से ही माथा टेक के आ गई, बट वो मतलब डेस्परेट थी बहुत ज्यादा गुरुजी के दर्शन करने के लिए, उसको गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, वो अंदर एंटर नहीं कर पाई, वो बाहर से ही माथा टेक के अपने मन में रख के कि मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं, वो वापिस घर आ गई। तो उसको कंसीव नहीं हो रहा था, थोड़ा किसी कोई इशू था उसका, तो उसको वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो उनको किसी ने बोला कि आप बड़े मंदिर से ब्लेसिंग्स लो, वहां का जल प्रसाद लो, चाय प्रसाद लो, लंगर प्रसाद लो। तो वो लेडी वहां गए, बट वो कहते हैं कि गुरुजी ने शायद उसको नहीं बुलाना था, और इधर से मुझे गुरुजी को बुलाना था अपने घर में, बट मैं हेजिटेट हो रही थी कि मेरे घर में इतना स्पेस नहीं है तो मैं गुरुजी को कैसे बुलाऊंगी, एक कहेगा मुझे नहीं बुलाया सत्संग पे, दूसरा कहेगा मुझे नहीं बुलाया सत्संग पे, तो मैं भी थोड़ा सा थी बुलाने के लिए। तो वो थोड़े दिन के बाद वो लेडी उनका रिपोर्ट चेक होता है, तो वो कंसीव कर लेते हैं, तो उनका बेबी है आई थिंक सो 1 ईयर का हो गया, सिद्धार्थ नाम रखा है, गुरुजी की ब्लेसिंग से उसने गुरुजी का घर में स्वरूप लगाया, गुरुजी की ब्लेसिंग से उसको बेबी हुआ। तो उनका कॉल मुझे कसौली में जब आता है तो कहते हैं मोनिका आंटी, मोनिका मैम, वो मुझे मैम बोलते हैं, कहते हैं मोनिका मैम मुझे ना आपसे कोई बात शेयर करनी है, आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो मैंने कहा नहीं पूजा मैम, मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप बोलिए। मैं थोड़ा सा बाहर आई हूँ अम्बाला में, अम्बाला से बाहर हूँ, तो मुझे कहते हैं कि मेरे को आपसे एक चीज शेयर करनी है। तो मैं कहा हाँ जी बोलिए।
कह रही मैं घर में हूँ, मेरे घर के दीवार सामने वाली दीवार के ऊपर गुरु जी का स्वरूप लगा होता है, तो मैं मतलब मैं उनसे अक्सर ये बातें करती हूँ, गुरु जी आप सबको बुलाते हो बड़े मंदिर, अपनी ब्लेसिंग्स देते हो, मेरा सिद्धार्थ आपसे हुआ है, बट मैंने आपका कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया, मैंने कोई आपका प्रसाद कभी, मेरे को ब्लेसिंग्स नहीं मिली आपकी, तो गुरु जी शायद मेरे में ही कोई कमी है, तो आप मुझे अपने दरबार पे नहीं बुलाते, अपने बड़े मंदिर नहीं बुलाते। तो कहते मैं ऐसे कहते कहते सो गई सामने गुरु जी से। अक्सर हम प्रॉब्लम में होते हैं, गुरु जी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं 2 मिनट आंखें बंद करके कि शायद हमें कोई सोल्यूशन मिल जाए, और डेफिनेटली अगर आप सोचते हो तो आपको इसका सोल्यूशन मिलता है, वो ऐसे ही है गुरु जी, मन में सोचो मिलता है। वो लेडी कहते कहते सो गई इस चीज को कि आपने मुझे कभी सत्संग में नहीं बुलाया गुरु जी, कभी दर्शन नहीं दिए, मैंने अपने बेटे को माथा टिकाना है। तो फिर वो अंबाला आ जाते हैं, मुझे नहीं पता वो लेडी कहाँ रहते थे, जस्ट मुझे कॉल आया, मुझे उनकी बेटी के बारे में, आरती मैम की फैमिली के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने कभी फेसबुक पर मुझे देखा स्कूल की एक्टिविटीज बच्चों को करवाते हुए, या स्कूल के किसी फंक्शन में देखा होगा। तो मुझे अपना कह रहे मुझे आपके साथ एक ड्रीम शेयर करना है और गुरु जी का एक मैसेज आपको कन्वे करना है। तो मुझे कुछ थोड़ा सा आई वाज शॉक्ड कि ये लेडी को मैं जानती नहीं हूं, है ना, और मुझे क्या ऐसा इसको शेयर करना है कि ये मुझे बार बार बोल रहे हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा आगे चले गए, मैं थोड़ा सा साइड में खड़ी होगी कसौली हिल के ऊपर ही। तो मुझे इन्होंने बोला, पूजा आंटी ने कह रहे कि मैं गुरु जी से बातें करते करते सो गई रात को, तो मुझे गुरुजी सपने में दर्शन देते हैं, मुझे गुरुजी सपने में दिखते हैं स्वरूप में। वो मुझे कहते हैं, पूजा आंटी तू सत्संग ते जाना है? तो कह रहे मेरी ना एकदम नींद खुल जाती है, नींद मतलब सपने में शी वॉज कॉन्शियस, वैसे वो सो रही है बट वो उसको ऐसे लग रहा है कि मैं सामने बैठी हूँ और मेरा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। तो उसको गुरुजी पूछते हैं, तू सत्संग ते जाना है पूजा? तो पूजा कहती है मेरे को, पूजा और गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी मैं जाना है सत्संग ते, पर तुसी मैनू बुलांदे नहीं हो, मैं तुहाडे वड्डे मंदिर गई सी, बारो मत्था टेक के आ गई, ऐ मेरा सिद्धार्थ, अपना बेटा दिखाती है सपने में उनको, ऐ मेरा सिद्धार्थ है, मैं मत्था टिकाना है, पर शायद मेरी गलती है गुरुजी, तुसी मैनू नहीं बुलांदे सत्संग ते, मैं कदी अटेंड नहीं किता। ते गुरुजी से बातें वो कर रही है, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही है गुरुजी से, वो डायरेक्ट उसका कन्वर्सेशन चल रहा है आपस में कि मुझे ये मेरी फैमिली इश्यू चल रहे हैं या जो भी उसको प्रॉब्लम था। गुरुजी उसको कहते हैं कि तू सत्संग पे जाना है ना पूजा, तो तू मोनिका आंटी दे कार जाना है। तो उसको समझ नहीं आया कि मुझे पर्टिकुलर नेम बोला गया, तो कह रहे मुझे समझ नहीं आया गुरुजी कह रहे मोनिका आंटी, मनु मैं नहीं जानती किसी मोनिका आंटी नु, उन्होंने गुरुजी को डायरेक्ट ऐसे बोला क्योंकि शी इज नॉट कनेक्टेड विथ मी, हर मदर वॉज कनेक्टेड विथ मी, वो मेरे साथ कनेक्ट नहीं है, उनकी मदर मेरे साथ कनेक्ट है 8-10 साल पहले, अभी वो मेरे से डिस्कनेक्ट है। तो कह रहे मुझे गुरुजी कहते हैं कि तू ना सत्संग मोनिका आंटी दे कार जाना है। तो कह रहे मैंने उनको बोला गुरुजी को, गुरुजी मैं किसी मोनिका आंटी को नहीं जानती, मोनिका आंटी कौन है मैं नहीं पहचानती उनको, बट मैंने सत्संग अटेंड करना है। संगत जी आप इस चीज को देखो, 15 मिनट पहले मैं गाड़ी में अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे सत्संग कराना है अपनी बेटी के, 18 फरवरी को बर्थडे है, मुझे सत्संग कराना है, बट आई एम हेजिटेटिंग कि मेरी संगत पूरी नहीं आएगी, उसमें मेंबर्स ज्यादा है, संगत ज्यादा है, मेरा संगत से प्यार है, संगत मेरे को प्यार करती है, मुझे सबको बुलाना है। मैं अपने अपनी झिझक को नहीं खत्म कर पा रही थी, मैं सारे सत्संग अटेंड करती हूँ बट मैं थोड़ा बुलाने के चक्कर में हेजिटेट हो रही थी कि मेरी संगत नहीं आएगी अंदर। उधर से मेरे मन में था मैंने कराना है, उधर से पूजा आंटी को सपने में दर्शन दे रहे हैं गुरुजी कि तू मोनिका आंटी से कहाँ जाना है। पूजा आंटी ने पूछा कि गुरुजी केरी मोनिका आंटी, मैं कोई मोनिका आंटी नो नहीं पहचानती। मतलब संगत जी मिराकल, आपने मिराकल सुना है, दैट मिराकल मतलब हैपन्ड विद मी। वो गुरुजी उसको कहते हैं कि गुरुजी ने मुझे मैम आपकी डायरेक्ट पिक दिखाई, उनका हाथ ऐसे था, उन्होंने बोला पूजा आंटी तू एवली मोनिका आंटी दे कार जाना है। तो वो कहते हैं कि लिटरली शी वॉज स्टार्टेड क्राइंग, उसके आंसू ऐसे टप टप हो रहे हैं, वो गुरुजी से बातें कर रही है, कह रहे मैम उन्होंने मुझे डायरेक्ट आपकी पिक ऐसी दिखाई क्योंकि मैं आपसे कनेक्शन नहीं कनेक्ट नहीं थी, मम्मा के टाइम पे आप जॉब करते थे, मम्मा आपके साथ जॉब करते थे बट मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं थी, तो मुझे उन्होंने ऐसे बोला कि तू मोनिका आंटी दे कार जा रहा है, तो एवली मोनिका आंटी दे कार जाना है, तू एना दे कार सत्संग है, तो तू एना दे कार जाना है। तो वो उसको कुछ समझ नहीं आया।
तो उसने गुरु जी का शुक्राना किया, कह रहे मुझे एकदम कुछ मतलब वो शी वॉज कॉन्शियस, थोड़ी सी वो कॉन्शियस हुई तो उसको समझ आया कि मतलब ये वाली लेडी मतलब वो मेरे बारे में बात कर रही थी, ये वाले मैम है ये मेरी मम्मा के साथ कभी जॉब करते थे। तो शी सर्च ऑन मी ऑन एफबी, तो उसने मुझे एफबी पे सर्च मारा, आरती मैम से अपनी मम्मा से बोला कि मुझे मोनिका मैम से मोनिका थापर मैम से बात करनी है जो आपके स्कूल में पढ़ाते थे, जो वो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, मुझे वो वाले मैम से बात करनी है, मुझे गुरुजी का कुछ मैसेज देना है उनको। तो मैंने देखो मैंने इग्नोर किया उसको, ये मेरी गलती है, मैंने उसके लिए गुरुजी से शायद पता नहीं कितनी बारी इसके लिए माफी मांग ली थी कि वो लेडी मेरे को कॉन्टिन्यूसली कॉल कर रही थी, बट मैंने आज थोड़ा सा एक कहते ना ढीठ बन के नहीं उठाया कि नहीं आज फैमिली डे है तो आज मैंने स्कूल का कोई कॉल पिक नहीं करना। तो वो लेडी ने मम्मा से मेरा नंबर लिया, उसने मुझे कॉल किया, कहती है मैम मेरा ये मेरे को गुरुजी की कॉल आपके घर की आई है। और मतलब आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड, संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसी उसने ये बात बोली मेरे गूज बम्स यहाँ पर आ गए कि मैं अभी गुरुजी से लड़ रही थी कि गुरुजी आप मुझे याद नहीं करते, आप सबको दर्शन देते हो सपने में, शायद मेरे से ही कोई गलती है कि आप मुझे दर्शन नहीं देते, आपकी आपकी प्रेजेंस मुझे मतलब फील नहीं होती, ऐसा क्यों। फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कोई बात नहीं गुरुजी हमारे साथ है, वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। पूजा आंटी ने जब मुझे कॉल किया, संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं मतलब उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स, मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग। मेरे हस्बैंड मतलब मैंने कभी उनको शायद इतना रोते हुए नहीं देखा, वो जो लव था वो जो आंसू हमारे गिर रहे थे संगत जी वो प्यार के खुशी वाले आंसू थे कि मैं गुरुजी से लड़ रही हूँ कि भाई आप मुझे कभी अपनी याद में नहीं रखते, शायद हमारी गलती है, शायद हमारे से ही कोई कमी हुई है, बट नहीं आप कहते हो हम गलत है। जब आप गलती अपने मन में कुछ रख के चलते हो, आपके पेरेंट्स आपको याद में रखते हैं तो वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें अपनी याद में कैसे नहीं रखेंगे। संगत जी मैंने मन में सोचा सत्संग कराना है, मेरी आवाज उन्होंने सुनी, मेरी आवाज मेरी झिझक को दूर करने के लिए उन्होंने मेरा जो मैसेज था वो थर्ड पर्सन तक पहुंचाया, क्योंकि उसने संगत में आना था, उसका जरिया बनी मैं। मुझे उसका कॉल कहती है कि मैम आप जब भी संगत कराओगे आप मुझे जरूर बुलाना। मैंने उसको बोला मैं चाहे दुनिया के किसी बंदे को बुलाना भूल जाऊं, पूजा आंटी मैं आपको बुलाना नहीं भूलूंगी, कि शायद मेरे को गुरुजी के सत्संग की जो झिझक है घर में के अंदर करवाने की, मैं बाहर करवा लेती हूँ ग्रैंड करवा लेती हूँ, बट मुझे गुरुजी को घर में बुलाना है। तो वो मेरी एक हेजिटेशन थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको संगत में जरूर बुलाऊंगी संगत जी। मैंने उसको ये बात बोली और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कसौली तो हम क्या एंटर करते, एक खुशी जिसको कहते हैं मतलब एक पॉजिटिव वाइब से खुशी वाले आंसू हमारे मतलब लिटरली वी स्टार्टेड क्राइंग, हमारे इतने आंसू आ रहे थे ना कि मैं नहीं बता सकती उसको। हम तीनों बैठकर एक घंटा पहले, और उधर से लोग देख रहे हैं कि पता नहीं क्यों हस्बैंड वाइफ इतना रो रहे हैं, हमारी आंखें एकदम लाल हो गई रो रोकर एक खुशी के आंसू के, नहीं हम गलत है, गुरुजी बिल्कुल ध्यान में रखते हैं अपने बच्चों को, गुरुजी हमारे बारे में सोचते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं नेक्स्ट ईयर की या फरवरी की वेट नहीं कर सकती, मुझे गुरुजी की संगत करानी है, चाहे मैं दो मेंबर बुला के कराऊं, मुझे गुरुजी को घर में बुलाना है, मेरे घर में आने की कॉल आई है गुरुजी को, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती। संगत जी मैंने दो दिन के अंदर अरेंजमेंट करके एक अपना बुक किया, जो भी सत्संग मैंने घर में सत्संग कराया, आप मानोगे नहीं संगत जी इतना अच्छा सत्संग हुआ कि मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि संगत कैसे मैनेज हो गई, कैसे बैठ गई, कैसे लंगर प्रसाद हो गया, शुक्राना सेवादारों का जो मैनेज करते हैं ये सारी चीजें, जो मेरे अंदर एक झिझक थी घर में सत्संग कराने की वो उन्होंने मेरी झिझक को दूर किया सत्संग करवा के। पूजा आंटी आए, पूजा आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया, अपना उन गुरु जी का शुक्राना किया, गुरु जी का शुक्राना तो हम पता नहीं कितनी बारी अनंतम भी करें शायद वो भी कम है, ऐसे हमारे गुरु जी हैं। गुरुजी कहते हैं ना तेरी झिझक थी सत्संग कराने की, तू मन बुलांदी नहीं, उन्होंने बुलाने का जरिया ढूंढा पूजा आंटी। अब 19 तारीख को संगत जी मेरी बेटी का बर्थडे है, 19 फरवरी को गुरुजी मेरे गुरुजी दोबारा से आ रहे हैं, गुरुजी आएंगे घर में, गुरुजी अपनी प्रेजेंस को फील करवाएंगे, मतलब मैं आपको अपनी खुशी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जो घर के अंदर सत्संग कराकर फीलिंग आती है ना कि गुरुजी आए हैं घर में, और कैसे मैनेज हो गया सारा वो तो नहीं मैं बता सकती, वो तो बैठे हैं करने वाले, वो करने वाले बैठे हैं, जो जो हमने सोचा, जो जो हम कहते हैं कि अपने मन में आप सोच लेते हो वो उन तक आवाज जरूर पहुंचती है। संगत जी आप इस चीज को फैक्ट मान के रखो, ये फैक्ट मैंने लिया अपनी लाइफ में,
मेरे हस्बैंड ने इसको उसको अजमाया इस चीज को कि अगर हम अपने मन में कुछ भी लेने का या कोई अच्छा करने का सोचते हैं तो वो गुरुजी उसको पूरा करते हैं। ऐसे मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी घर छोटा है तो मैं स्कूल से जैसे ही आए, अब हम इनकी कितना इनका शुक्राना करें, कितना इनका थैंक्स करें, ये तो हमारे लिए वर्ड्स नहीं है। गुरुजी के लिए ये गुरुजी का प्यार है हमारे लिए, जो बच्चों के अपना अपना हाथ रखते हैं, हर सांस में कहते हैं ना कि हर सांस सांस में शुक्राना को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो वो हमें सब कुछ दे रहे हैं संगत जी, उसका शुक्राना तो हम पता नहीं अनलिमिटेड है। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो पूरे कहते हैं ना कीचड़ से ही भरे हुए हैं, रोज कोई ना कोई गलती करते हैं। मैं भी कह रही हूँ संगत जी, मैं भी करती हूँ, मैं रोज कोई ना कोई गलती होती है, किसी को हर्ट भी करते हैं, कुछ मुझसे गलत भी बोल देते हैं, नहीं वो बैठे हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं तुम बच्चे हो, बच्चे समझ के वो हमें माफ करते हैं संगत जी, वो बच्चे समझ के माफ करते हैं। मतलब 2018 के बाद से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि टचवुड कहते हैं कि कोई ऐसी शायद मेरे को लगता है कि मन में जो मेरी सोच आई है वो गुरुजी तक ना पहुंची। मैं स्कूल से आती हूँ, ऐसी कोई बात हो रही थी, कितने सत्संग हम शेयर करें गुरुजी के बारे में, कहते हैं ना कि उतने थोड़े हैं, है ना, उतने हमारे पास वर्ड्स भी कम है गुरुजी। मतलब मैं प्रीति चड्ढा आंटी का शुक्राना करना चाहती हूँ, अंजलि आंटी का शुक्राना करती हूँ, ममता गुरा आंटी का शुक्राना करती हूँ कि मैं यहाँ आज खड़ी हूँ ना, उन्होंने मुझे गुरुजी के साथ कनेक्ट करवाया, ऐसा कनेक्शन करवाया कि ठीक है मैं बहुत ज्यादा नहीं टाइम डिवोट कर पाती, बट संगत जी मेरे मन में चलते फिरते घर में सुबह शाम पाठ चलता है, संगत गुरुजी के साथ हम कनेक्ट बनाकर चलते हैं। बट ये है कि मैं जॉब में होने की वजह से बहुत ज्यादा वाला टाइम बहुत ज्यादा गुरुजी की सेवा नहीं कर सकती, वो जानी जान है, उनको सब पता है कि ये करती है मन से करती है। बट ये कहते हैं ना जो बच्चे गलती करते जाते हैं, गलती मैंने बताया कि गलती मेरे से भी बहुत होती है, बट मैं उनको सॉरी बोल देती हूँ उस चीज के लिए कि मेरे से आज ये गलती हुई है, तो मैं उसके लिए अपने आप को गिल्ट फील करती हूँ, मैं उनको सॉरी बोल देती हूँ उनके सामने आकर कि आज मेरी वजह से शायद कोई बंदा हर्ट हुआ है। मैं किसी को मैं इंटेंशनली नहीं हर्ट करती, बट कई बार सर्कमस्टांसिस ऐसी हो जाती है कि आपके मुंह से कुछ निकल जाता है, बट वो बैठे हैं हमें माफी देने वाले, उनसे बड़ा तो कहते हैं ना कोई भी नहीं है। अगर एक अंधा पर्सन जो है, ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है ना, वो रोड क्रॉस करता है, जैसे ब्लाइंड पर्सन रोड क्रॉस करता है, वो कभी उसको कुछ नहीं समझ आ रहा, वो स्टिक के थ्रू चलता है, कभी वो सही रास्ते पर चलता है, कभी वो गलत रास्ते पर चलता है, तो ऐसे ही हमारा हाल है ना संगत जी, हम भी तो बच्चे हैं उनके, कभी कभी हम सही रास्ते पर चलते हैं, कभी हम गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं, बट वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, बट वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाएंगे तो तभी तो वो कहते हैं ना एक ट्रू मोटिवेटर है, एक हमारे फैसिलिटेटर बैठे हुए हैं ये गुरुजी हमारे सबसे बड़े, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं गुरुजी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, कि कहते हैं कि गुरुजी की महिमा अपरंपार है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, वो गुरु ही है जो हमें गोविंद के साथ परमात्मा के साथ हमें डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं संजय जी, ऐसे गुरुजी हमारे हैं। जैसे मैंने आज आपको बताया कि मेरी आज घर में सिचुएशन थोड़ा सा सत्संग शेयर करने का नहीं हो रहा था, मेरी लेबर थी, बट नहीं मैंने मन में मेरे को था कि गुरुजी की कॉल है, मुझे शेयर करना है सत्संग अपना, गुरुजी का प्यार अपना जो है मेरे साथ उनका कनेक्शन है, मुझे गुरुजी की संगत के साथ जुड़ना है, और कोइंसिडेंटली गुरु संगत जी आज कोई लेबर नहीं आई है घर पे, रूम पूरा वेकेंट है, गुरुजी विराजमान है, अपनी ब्लेसिंग समय दे रहे हैं। गुरुजी का तिलक उस दिन मैंने होली का सत्संग एक शेयर करती हूँ संगत जी आपके साथ, होली थी, मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी तो मेरी बेटी किचन में थी, मैं यहाँ पर अपना काम कर रही थी, अपना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं पहले गुरुजी को टिक्का लगा दें, गुरुजी के साथ होली सेलिब्रेट करते हैं, फिर उसके बाद हम ना क्लब में चलते हैं, क्लब मेंबर हैं तो वहां पर चलते हैं, पहले गुरुजी के साथ करेंगे अपना होली सेलिब्रेशन। तो गुरुजी का स्वरूप साफ किया उन्होंने, क्योंकि हम यही टिक्का वगैरह करते हैं, नीचे गद्दी नहीं लगाई, गुरुजी का दरबार मैंने यहाँ लगाया हुआ है, तो चेयर रखा, चेयर के ऊपर मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को तिलक लगाया कलर का, मेरी बेटी ने तिलक लगाया, तो मैं किचन से मुझे आवाज लगाते हैं कि आप आकर गुरुजी को तिलक कर दो, होली का तिलक लगा दो, फिर होली मनाएंगे।
तो मैं आती हूँ संगत जी। मैंने मुझे गुरु जी का स्वरूप नहीं दिख रहा था, मैं यहाँ पर चेयर पर चढ़कर और मैं ऐसे करके जैसे टीका ऊपर करती हूँ तो आप मानोगे नहीं संगत जी, उसमें पूरे शिवलिंग के दर्शन संगत जी, पूरे शिवलिंग के दर्शन। ओके अमिता आंटी, जरूर गुरु जी का बुलावा जिस जिसको आएगा अमिता आंटी, वो आपको अपने आप बुलाएंगे। कहते हैं ना बुलाने वाले करण करावन वाले वही हैं। तो गुरु जी के शिवलिंग के दर्शन मुझे साक्षात दर्शन इसमें हुए, पूरा उनका टीका बनाया। जैसे ही टीका मैं बनाती गई वो टीका अपने आप जो अपने आप ही रोटेट हो गया, वो रोटेट होके उसने पूरे शिवलिंग के दर्शन कर लिए। मैंने गुरु जी का ये जो ब्लेसिंग थी पहली बार अपने घर में फील की, कि सब कहते हैं कि मुझे गुरु जी के ओम के दर्शन हुए, मुझे गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई, गुरु जी ने साक्षात मुझे होली वाले दिन बिल्कुल साक्षात यहाँ पर दर्शन हुए शिवलिंग के रूप में। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, मतलब मैं आज इतना अपने आप को ब्लेस फील कर रही हूँ ना कि मैं संगत के साथ जुड़ी, संगत के साथ अपने व्यूज अपना एक्सपीरियंस अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शेयर करी। 2018 से शुरू हुई, 2021 आया, तो ये सत्संग मतलब कहते हैं ना कि आप ये दिन पर दिन बढ़ रहा है, ये जो गुरु जी के साथ हमारा प्यार है, गुरु जी के साथ हमारी एक बॉन्डिंग है, वो दिन पर दिन बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रही है संगत जी। तो मैं सच में संगत जी आप सबका शुक्राना करना चाहती हूँ, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, सब अपने अपनी हर सांस में शुक्राना करना चाहती हूँ मैं गुरु जी का, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, अपनी कर्मों का, जो हमारे कर्म है उसको कहते हैं कि अगर हम बोलते हैं अगर हमारे पास कोई चीज नहीं आ रही या हमारे पास कोई किसी प्रॉब्लम लगातार कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखो ह्यूमन बीइंग है, प्रॉब्लम्स आएंगी भी प्रॉब्लम्स जाएंगी भी, बट वो प्रॉब्लम तभी जाएगी जब आपका सही टाइम आएगा। हम बोलते हैं कि उसके साथ ऐसे हुआ तो मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया था, है ना, बट वो हमें नहीं पता ना हमने क्या गलत किया। हमने हो सकता है पहले कुछ गलत किया हो पर ये हमारे अच्छे कर्म है, ये हमें जुड़े हमारे साथ, हम इनके साथ जुड़े हैं गुरु जी के साथ। मेरे मम्मी पापा इतने साल से मानते हैं मैं गुरु जी के साथ नहीं जुड़ी, मैं गुरु जी के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ी थी क्योंकि मैं कहते हैं कि एक नहीं कर पा रही थी इनके साथ अपना अटैचमेंट, पर वो 2018 के बाद जो ऐसी जुड़ी ना संगत जी, तो मैंने शायद पीछे मुड़कर नहीं देखा कि अब मुझे अपने मम्मी पापा तक भी शायद मुझे मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचती होगी। कई बार कोई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि आप अपने माँ बाप से भी अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर सकते, पर वो बैठे हैं आपकी प्रॉब्लम सुनने वाले, आप शेयर नहीं भी करोगे ना आपके मन की बात वहां तक पहुंचेगी, जरूर पहुंचती है। ये हमारा मेरे हस्बैंड का मेरी फैमिली का अजमाया हुआ है, मैं कुछ नहीं सामने बोलती बट आप मन में सोचो कि ये चीज हमारे मन में गुरु जी है, गुरु जी प्लीज ब्लेस करो इस चीज को, इस चीज का सोल्यूशन दो गुरु जी, और वो सोल्यूशन देते हैं इस चीज के लिए। तो मतलब मैं फैक्ट है, इस ये लाइफ का फैक्ट है। तो गुरुजी के लिए दो लाइनें मैं कहना चाहूंगी, तमन्ना है मेरे दिल की हर पल सतगुरु, तमन्ना है मेरे दिल की हर पल सतगुरु, तुम्हारा हो साथ सतगुरु, जितनी भी सांसें चले, जितनी भी सांसें चले मेरी हर सांस पर नाम तुम्हारा हो सतगुरु। तो गुरुजी चाहे गलती होती है अपना बच्चा समझकर हमें माफ करिए गुरुजी, शुक्राना संगत जी आपने इतना टाइम निकाला, मुझे मतलब मैं बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ कि आज मैं पहली बारी अपना लाइव सत्संग शेयर कर रही हूँ, शायद मेरे से कोई गलती भी हो गई हो, अगर कोई गलती हो गई हो तो शुक्राना गुरु जी माफी गुरु जी, अगर शायद मेरे से कोई बोलने में कोई त्रुटि रह गई हो संगत जी तो मुझे माफ करना, पर ये गुरु जी का प्यार था, गुरु जी का एक जर्नी थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर करी, कि मैं शेयर करना चाह रही थी काफी दिन से बट मेरे को कहते ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, पर जो गुरुजी नाल मौजा ग्रुप है, वाह वाह गुरुजी, कहते हैं ना वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, ऐसे हैं हमारे सतगुरु जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अंजलि आंटी, शुक्राना देवेंद्र अंकल, ममता बूरा आंटी, प्रीति चड्डा आंटी, अंजलि आंटी, जिनकी वजह से आज मैंने आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर किया, शुक्राना जी, शुक्राना जी, शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना।